न क्रीम, न काजू, न बेसन, न दही, ऐसी आज हम ग्रेवी वाली सब्जी बनाने वाले हैं, जो रेस्टोरेंट और ढाबे में जो मिलती है ऐसी डिलीशियस आज हम दम आलू की रेसिपी बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की जो रेसिपी दम आलू। दम आलू की सब्जी में छोटे छोटे साइज के जो आलू आते हैं वो लेना है। तो आपको मार्केट में ऐसे छोटे छोटे साइज के आलू मिल जाएंगे। अगर आपके पास ऐसे आलू नहीं है तो आप बड़े आलू को भी ऐसे छील के मीडियम साइज़ के कट करके भी ऐसे ले सकते हो। तो हमें आलू को छील के एक बार वॉश करके ऐसे फ्राई कर देना है। गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाए तब तक आलू को हम फ्राई कर देंगे। आलू फ्राई हो रहे हैं तब तक हम यहाँ पे सब्जियों का कट कर लेंगे। यानी कि यहाँ पे हमें दो प्याज, दो टमाटर, हरी मिर्च ली दो और लहसुन लिया है, वो हम कट कर लेंगे। आलू फ्राई हो गए हैं तो इसे एक बाउल में निकाल देंगे। फिर इसी पैन में से हमने थोड़ा ज़्यादा तेल है तो थोड़ा तेल निकाल देंगे और इसमें हम खड़ा मसाला डालेंगे, जिसे तेज, लविंग, इलायची और तेजपत्ता है और दालचीनी लिया है। अभी इसको हम ऑयल में डाल देंगे और 2 सेकंड के लिए इसे भून लेंगे। फिर हमने यहाँ पे 2 प्याज कट की थी वो डाल देंगे। हल्की सी भून जाए तब हमें इसमें सभी सब्जियाँ डाल देनी है, यानी कि मिर्ची, लहसुन और टमाटर भी डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जो सब्जी बनाने नहीं आती है ग्रेवी वाली सब्जी, तो ये फटाफट से बन जाती है। तो सब्जियां है वो पकी गई है तो गैस को अभी बंद कर लेंगे। अभी इसमें हम एक नया तरीके से क्रीम बनाने वाले हैं कि जिसमें मैंने पनीर का यूज़ किया है। पनीर को ऐसे छोटे छोटे क्यूब लिए हैं और थोड़ा सा 2 टेबलस्पून जितना दूध लेंगे और इसकी एक ग्रेवी बना देंगे। ग्रेवी यानी कि क्रीम टाइप बना देंगे, जिसे सब्जी में डालेंगे तो इसका टेस्ट है वो एक क्रीमी टाइप भी आएगा और बहुत टेस्ट अच्छा आता है। अभी सब्जियाँ भी ठंडी हो गई हैं तो इसकी हम ग्रेवी बना देंगे। तो अच्छे से ग्रेवी बन गई है। अभी इसी पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे, इसमें हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और धनिया पाउडर डाल देंगे और हमने जो ग्रेवी बना के रखी थी ना वो ग्रेवी भी हम इसमें डाल देंगे। तो चलिए ग्रेवी तो हमने डाल दी है तो ऊपर से जार में थोड़ा सा पानी डालेंगे और पूरा पानी इसमें हम डाल देंगे, इससे ग्रेवी भी थोड़ी हमारी पतली हो जाएगी। तो बस इसी तरह आपको ग्रेवी बनानी है। अगर आपको ग्रेवी बनाना नहीं आता है, आपके पास कुछ नहीं है, फिर भी आप ऐसी ग्रेवी बना सकते हो। अभी हमने जो क्रीम बनाई थी वो पनीर वाले, वो भी इसमें हम डाल देंगे, जिससे ग्रेवी का कलर है वो चेंज हो जाएगा और क्रीमी टेक्सचर भी अंदर आ जाएगा। जो ढाबे वाले में हम बाहर जाते हैं तो ढाबे वाले भी इसी तरह बनाते हैं। बस तभी ढक के 2 मिनट के लिए रख देंगे। 2 मिनट हो चुकी है, अभी हम चेक कर लेंगे तो हमारा जो ग्रेवी में से ऑयल भी निकल के बाहर आया है, यानी कि हमारी जो दम आलू की जो ग्रेवी है वो रेडी हो गई है। तभी इसमें हमने जो फ्राई किया हुआ आलू था वो डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। बस इसी तरह ग्रेवी होनी चाहिए। अगर आपको थोड़ी सी पतली करनी है तो भी कर सकते हो, पर मैं बस इसी तरह रखूँगी। ऊपर से कसूरी मेथी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। देखो सब्जी में से ऑयल भी निकल के बाहर आ गया है, यानी कि हमारी दम आलू की सब्जी है वो रेडी हो गई है। तो इसी स्टेज पर हम ऊपर से डालेंगे हरा धनिया और जो थोड़ी क्रीम हमने बचा के रखी थी ना वो पनीर वाली, वो भी इसमें हम डाल देंगे। अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर देने वाले हैं। ऑयल दिया है और इसमें थोड़ी सी मैंने कश्मीरी मिर्च और लाल मिर्च डाल दी है और इसे भी मैंने थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा ठंडा होने देंगे। अभी इसे सर्विंग प्लेट में दम आलू को शव करेंगे। ऊपर से थोड़ी सी हम वो क्रीम डाल देंगे और जो हमने मिर्च वाली जो बनाई है चटनी वो भी इसमें हम डाल देंगे।
तो बस स्पाइसी फ्लेवर भी आपको मिल जाएगा। तो फाइनली हमारी दम आलू की रेसिपी जो रेस्टोरेंट और ढाबे स्टाइल बनके तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल भाविनीस किचन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय।